बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्लास एट्थ की मैथमेटिक्स को शुरू किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कर रहे हैं यूनिट नंबर टू, जो हमारे पास है रियल नंबर्स। हमने इसमें रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। अब हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.9, जिसमें हमने फाइंड करना सीखना है क्यूब रूट। तो शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.9, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्यूब रूट हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में हम उनके पेयर्स बनाते थे, पावर 2 लेते थे, क्यूब रूट में हम पावर 3 लेंगे। अब 729 हमारे पास है, सबसे पहले ही हमारे पास ये डिवाइड होगा 3 पे, 3 टू ज़ा 6 वन कैरी, 3 फोर ज़ा 12, 3 थ्री ज़ा 9, अगेन 3 पे होगा, 3 एट ज़ा 24 और 3 वन ज़ा 3, देन अगेन हमारे पास 23 पे ये होगा, 3 टू ज़ा 6 2 कैरी करेगा और 3 सेवन ज़ा 21, 3 नाइन ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, हमने जो हमारे पास ये आए हैं डिजिट, ये वाले हमने इन सबको यहाँ पे लिख लेना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मतलब ये फैक्टर्स हैं 729 के। अब चूँकि हमने फाइंड करना है क्यूब रूट, तो हम पावर लेंगे इसकी 3, तो ये बन जाएगा 3/3 और ये भी बन जाएगा 3/3। अब हमने इसका फाइंड करना है क्यूब रूट, तो हम दोनों साइडों पे लेंगे क्यूब रूट इसका। तो जैसे स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही क्यूब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से, हमारे पास बचेगा 3 × 3 जो कि आगे हमारे पास 9। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इसका क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया। तो आपने इसके बाकी सारे पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं, अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम स्टे सेफ।